जब मर जाएंगे तो फ्री का लेके करेंगे क्या। इसलिए अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए, योगी सरकार चाहिए जिसमें हिंदुत्व की रक्षा हो। बिल्कुल योगी जैसा चाहिए, जैसे उन्होंने यूपी में रोकथाम लगाई है उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसी चाहिए जो ऐसों से है ना निपट सके अपने ढंग से। हमें ऐसा ही योगी भी जैसा ही चाहिए। बिल्कुल देखो, हमें तो योगी जी चाहिए जो एकदम फुल एंड फाइनल कार्रवाई करते हैं। हम इनका क्या करेंगे, केजरीवाल जी का जो हमें फ्री फ्री बता रहे हैं, फ्री करेंगे क्या मैडम। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूपी में जो हिंसा होती थी लेकिन लगातार वहां पे दंगाइयों के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तो अब पिछले अगर 5-6 सालों की बात करें तो यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जहां 2020 को ये चीज़ें देखने को मिली, तो वहीं एक बार शनिवार 2022 को भी ये चीज़ें देखने को मिली जब जहांगीरपुरी में हनुमान शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और दंगा हुआ। सर एक सवाल है, आपको सीएम कैसा चाहिए, अरविंद केजरीवाल जैसा जो कि फ्री में चीजें देते हैं, बिजली राशन पानी सब कुछ, या फिर योगी आदित्यनाथ जैसा जो अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। फ्री की तो बात ऐसी रही, फ्री का जब इस्तेमाल करेंगे जब जिंदा रहेंगे, जब मर जाएंगे तो फ्री का लेके करेंगे क्या। इसलिए अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए, योगी सरकार चाहिए जिसमें हिंदुत्व की रक्षा हो। आप चाहते जिस तरीके से जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो यहाँ के दंगाइयों पे होनी चाहिए? जरूर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सख्ती से पेश नहीं आएंगे तब तक ये दंगाई बाज नहीं आएंगे। सबसे पहली चीज कि जो ये हालात हैं इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे साथ में आगे आने वाले जनरेशन के साथ ना हो, इसलिए योगी सरकार रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जिस प्रकार से यूपी शांत है पूरा योगी जी के होने से, वैसे दिल्ली भी शांत और शुभ होना चाहिए। जबकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसको सबसे खूबसूरत और सबसे शांत होना चाहिए, मगर अब यहीं आतंक फैलने लग गया है। आतंक का इतना नंगा नाच हो रहा है जिसका कोई हद नहीं। अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था जो है अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं दंगा खत्म करवा दूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं, वो कब करेंगे। हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू को सिर्फ अपनी दाल रोटी से मतलब है, वो दाल रोटी खाता अपने घर के अंदर रहता है। आप एक हिंदू के घर में घुस जाइए, उसे आपके उसके घर में एक ढंग की छुरी नहीं मिलेगी सब्जी काटने वाली। और इन लोगों के घरों के अंदर आपने शायद देख भी लिया होगा और आपको पता भी चला होगा किस तरीके के हथियार और किस तरीके से ये लोग नंगा नाच तलवारें लेके घूम रहे थे। अच्छा, जिस तरीके की तमाम चीज़ें देखी जा रही है, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल बस अपने वोट बैंक का ख्याल कर रहे हैं? वोट बैंक का ही ख्याल है जी, और कुछ तो है ही नहीं। वही कहते हैं, जिस तरफ का पलड़ा भारी देखते हैं उसी तरफ झुक जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, जो न्याय प्रीति बात होती है वो ही की जाए बस। लेकिन वो तो खुद को देश राष्ट्रवादी बोलते हैं, ईमानदार सरकार बोलते हैं। घर का मुखिया होता है, घर का मुखिया अगर अपना घर ना संभाल सके, अपने से बड़े के ऊपर बात डिपेंड कर दे। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, अगर मेरे माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं या माता पिता हैं वो हमसे बड़े हैं, उनका वो धर्म नहीं है, धर्म हमारा है हमारा घर चलाना। तो वो बैठे हैं कुर्सी पे तो उनका धर्म है चलाना। योगी जी चला रहे हैं, मोदी जी चलाने नहीं आ रहे ना, योगी जी अपने राज्य को संभाल रहे हैं, तो आपका भी धर्म है, आप अपने राज्य को संभालिए। अगर आप राज्य को संभालते हैं तो आप सही हैं, नहीं संभालते हैं तो आप गलत हैं, इसके आगे मैं क्या कहूँ। अच्छा, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा जो हुई है उस पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, राजधानी के सीएम, वो ये कहते हैं कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी सिस्टम है, वो केंद्र सरकार के हवाले है, उनको देखना चाहिए, उनकी गलती है, क्या बोलेंगे इस पर? मैडम मैं क्या बोलूँगा, केजरीवाल जी इतने झूठे हैं, कोई उनकी हद ही नहीं है। तो कुछ भी मतलब दंगे फसाद होते हैं तो डायरेक्टली मोदी जी को इन्वॉल्व करते हैं, ये मोदी जी करेंगे। अरे मोदी जी करेंगे तो आप क्या कर रहे हो इस बारे में ये बताओ ना, आप क्या कर रहे हो। ये तो केजरीवाल जी ने अभी भी आए हैं, ये देखो बंगाली की साइड आए हैं, ये वहाँ पे जब हुआ है पत्थरबाजी हुई है वहाँ के पीछे के पीछे आए और पीछे के पीछे वहीं से वहीं चले गए केजरीवाल जी। यहाँ पे आके पूछा नहीं किसी को, चोट चपेट लगी है नहीं लगी है, क्या हुआ है कुछ नहीं पूछा है, वहीं से वहीं चले गए, क्योंकि वहाँ पर उनका वोट बैंक है, वहीं से ही चले गए। हमें पता लगा था ये वहाँ पे आए हैं, बस उन्होंने अपने वोट बैंक का ख्याल है इसलिए उधर साइड गए हैं। वोट बैंक का ख्याल है मैडम, और कुछ नहीं है, बस वोट बैंक का ख्याल है उनको। और जब उनकी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये चीजें देखी गई 2020 में, ताहिर हुसैन जो कि आपका पार्षद था और अभी अंसार जो है वो भी आपका नेता बताया जा रहा है, जो कि मेन अक्यूज्ड है यहाँ की जो हिंसा हुई है। आपसे संबंध, केजरीवाल से संबंध है, क्या कहेंगे?
उनके तो आपसे संबंध है ही, अगर घर के अंदर कोई पूड़ी पकती है तो सबको पता होता है। अब जाहिर सी बात है अगर वो उनके संबंध टच में है तो उन्हें भी पता होगा, और वो पता होने के बाद भी कहते हैं ना जा देख के मक्खी निकलने वाले काम, तो केजरीवाल जी का वो काम है, देख के मक्खी निकल रहे हैं वो और कुछ नहीं। जिस तरीके से देखा जा रहा है जो यहाँ पे बांग्लादेशी आके बसे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार फ्री फ्री योजना चला रहे हैं, आपको फ्री फ्री योजना वाले सीएम चाहिए या फिर जिस तरीके से अवैध लोगों पर और अवैध संपत्तियों पर या फिर दंगाइयों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वैसा सीएम चाहिए? देखो हमें तो योगी जी चाहिए जो एकदम फुल एंड फाइनल कार्रवाई करते हैं। हम इनका क्या करेंगे केजरीवाल जी का, जो हमें फ्री फ्री बता रहे हैं, फ्री करेंगे क्या मैडम? वो तो आदत खराब कर रहे हैं ना लोगों की, फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ऑन द स्पॉट जवाब चाहिए बस। अच्छा, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसी कार्रवाई करो कि मिसाल बन जाए। हाँ जी सही है, वो सही है मैम, वो बिल्कुल सही है। देखो हम ये नहीं चाहते, चाहे मोमडन हो चाहे हिंदू हो कोई भी हो, जो गलत है तो गलत है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो हनुमान जी की मूर्ति है रथ में ले जाई जा रही थी, अभी हमने देख के भी आई, वो मूर्ति क्षतिग्रस्त है, टूट चुकी है, और क्या क्या चीज़ें हुई थी वहाँ पे जब नारे लगाए जा रहे थे जय श्री राम के, या फिर क्या क्या और मूर्ति के साथ या फिर जो रथ निकल रही थी उसके साथ किया? जो हनुमान जी की मूर्तियाँ थी उसको चप्पलों से मारा गया और तिरंगे को रौंदा गया पैरों के नीचे, और बहुत बुरी तरीके से जो जय श्री राम बोलने वाले थे उनके ऊपर पथराव किए गए बहुत तेज़ी से। वो लोग तो अपनी किस तरीके से जान बचा के भागे हैं कि वो लोग खुद जानते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया तिरंगे के बारे में और हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में, तो चलिए हनुमान जी की प्रतिमा और जय श्री राम की चीज़ें समझ में आती हैं कि वो हिंदुओं की चीज़ है तो आप उनसे नफरत दिखा रहे हैं, लेकिन देश का तिरंगा है, जिस देश में आप रहते हैं उस तिरंगे को भी रौंदना, ये कहाँ तक सही है? वो उनका देश है ही नहीं ना, वो तो एक तरीके से जैसे किसी चीज़ पे कब्जा करके बैठ जाना, वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से यहाँ आके बसे हुए हैं बस, इसलिए उनको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, उनका जो चीज़ है ही नहीं वो उसकी क्या वैल्यू जानेंगे, वैल्यू तो वो जानेगा जिसका होगा। अच्छा, चाहते हैं NRC आए देश में? हाँ हाँ, NRC आनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बाय द वे इंडिया जैसे पाकिस्तान से हार जाती है ना, तो वहाँ पे खुद आतिशबाजियाँ होती हैं, खूब बम पटाखे फोड़े जाते हैं, ऐसा लगता है वो पाकिस्तान है, वो दिवाली बन रही है, वहाँ पे दिवाली बन रही है। अरे ये तो हिंदुस्तान है, इंडिया की हार तो हार जीत तो हर चलती है, तो ऐसा तो मत करो ना, वहाँ पे बम पटाखे आतिशबाजियाँ चलती है मैडम, हमने ये भी देखा है। हमारे पास उधर हम देखते हैं इंडिया हारी थी अभी वर्ल्ड कप में, वहाँ पे खूब बमबारी हो रही थी, आतिशबाजियाँ हो रही थी, ये चीज़ गलत है ना। आप हिंदुस्तान के हो तो हिंदुस्तान की बोलो ना, कोई कुछ भी नहीं उनके पास, बस मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं अभी? माहौल हालांकि शांत है, पुलिस व्यवस्था लगी हुई है लगातार, फिर भी क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं उधर की साइड से, जो चीज़ें हो रही हैं पुलिस की कार्रवाई हो रही है? देखिए जी, अभी तो पुलिस के ऊपर भी कल आपने देखा कैसे पथराव हुआ है, जो वो उनके ऊपर कर सकते हैं तो हम तो आम पब्लिक हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन गली के अंदर हमारे दरवाजे तक खड़े होकर के बड़े छोटी इतनी उम्र के हैं, 15-16 साल के बच्चे ही हो गए वो हैं, किसी ने मास्क से अपना चेहरा ढक रखा है, किसी ने अपना वो कपड़े से ढक रखा है, कोई ऐसी है नंगी तलवारें लेकर के, छोटी छोटी छुरी लेकर के, डंडे लेकर के, हाथ पे पत्थर लेकर के हमारे दरवाजे खड़े होकर के इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, बच्चों को लेकर के, बहन को लेकर के अंदर दरवाजे में हम लोगों ने कुंडी लगा ली कि ना आए, और हमें देख देख करके इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, हैं हम बताओ इस तरीके से अपने ही घर में हम इस तरीके से जिएंगे, ताला लगा कर जिएंगे? और जहाँ पर ये मार्केट ये सारे रहते हैं, बंगाली बस्ती है पूरी जहाँ पर है, वहाँ पर सारी सब्जी बाज़ार लगती है, जो हम लेडीज़ शाम के टाइम सब्जियाँ लेने जाती हैं, फिश मार्केट भी वहाँ पर लगती है, पूरी मार्केट है सी ब्लॉक की वहाँ पर, जो कि कपड़े की है, चूड़ियों की है, सारे के सारा कॉस्मेटिक वगैरह सारा सामान वहाँ पर मिलता है हमें, हैं। अब यहाँ इस एरिए में ना कुछ नहीं है ऐसा, अब डर की वजह से ना हम लोग वहाँ पर भी नहीं जा सकते, बताओ सब्जी भी कहाँ से लें, हैं बच्चों की भी कई चीज़ें हैं, हर एक चीज़ें हैं, कैसे कहाँ से क्या लें। अच्छा, ये चीज़ें क्या पहले कभी हुई थी या फिर अचानक से शनिवार को ये चीज़ें शुरू हुई, अचानक से जिस तरीके से पथरावबाजी या फिर जो नफरत दिखाने का काम कर रहे हैं वो चीज़ें? ये चीज़ें पहले भी कई बार हो चुकी हैं, पर ये है कि मीडिया ने आज ओपन कर दिया तो ये दिख गया, एक बार नहीं कई बार पहले भी ऐसी हुआ है। हाँ, पुलिस आई है, बैठी है,
फिर ठंडा मामला हो गया। ये तो इस बार आप लोगों के थ्रू पूरी दुनिया को पता चल गया कि यहाँ पर क्या हालात है। यहाँ के हालात शुरू से ऐसे ही हैं, मतलब हमेशा से ही आप लोग जो हैं इधर के साइड हमेशा डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं उनके सामने। पता नहीं है ना हमें वहाँ पर जा कर के कि वहाँ जा कर के हिंदू, खैर ये चीज़ तो बेकार की बातें हैं। अगर हम वहाँ पर जाते हैं जा करके, वो तो सामने कोई भी आएगा वो तो नंगी तलवार हाथ में है जी, काट देंगे मार देंगे, उनका क्या जा रहा है, पत्थर हाथ में मार देंगे, किसको लगेगी। मतलब जो उपद्रवी हैं वो ये नहीं देखते कि सामने कौन है, बस उनको हथियार चलाने से मतलब, पत्थर चलाने से मतलब। अब आप यही देखिए ना, जो वहाँ पर जुलूस निकल, वो अपना शोभा यात्रा निकाल रहे थे, है ना, वहाँ हुआ जो भी हुआ ठीक है। अब यहाँ पर आकर के गलियों तक के अंदर घुस कर के गंदी गंदी गालियाँ देने का क्या मतलब। हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब ने, है ना, अपने बच्चों को लेकर के ना घर में कुंडी लगा ली थी, कोई भी बाहर नहीं निकला। अब कोई हम उग्रवादी तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है कि छतों के ऊपर ईंट पत्थर लेकर के खड़े रहेंगे जी नहीं चढ़ जाओ और मार, जैसे उन्होंने करा ऐसा तो नहीं करेंगे ना। एक बार उनकी छतों पर जा कर के चेक कर लीजिए और एक बार हमारी छतों पर खुले आम जा कर के चेक कर लो कि हमने कितना कुछ भर रखा है, वो खुद ही पता चल जाएगा आपको। और भी लोगों से हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी भी वही डर का माहौल है, अभी भी उसी तरीके से लोग सहमे हुए हैं, अपने घरों के अंदर हैं। सर क्या नाम है आपका? युवराज। अच्छा, कैसे जो वाकया शनिवार को हुआ, तो क्या स्थिति शनिवार और आज मंगलवार का दिन है, कितना अंतर दिख रहा है, क्या वही माहौल एक बार जो पहले चल रहा था, या अभी भी डरे 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 सहमे सहमे से आप लोग हैं? नेचुरल है कि अगर इस तरह का दंगा होता है तो डर तो नेचुरली बढ़ जाता है, ख़ासतौर से जो छोटे बच्चे हैं, जो यहाँ कोई आम आदमी जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता उसके दिल में अभी जो डर है वो तो है। अच्छा एक बात, कि आपको कैसा सीएम चाहिए, केजरीवाल जैसा जो फ्री चीज़ें देते हों, या फिर ऐसा सीएम जो कि दंगाइयों के खिलाफ या फिर अवैध संपत्ति माफियाओं के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई करते हैं, योगी आदित्यनाथ वैसे सीएम? देखिए केजरीवाल जी का तो सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट बनाना है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। फ्री सिस्टम के तो हम पक्ष में नहीं है। गवर्नमेंट पब्लिक को अगर फ्री की आदत डालेगी तो ये उनको निठल्ला बनाने वाली बात है। पब्लिक को रोज़गार चाहिए, पब्लिक को एक फैसिलिटीज़ चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो उनका सिस्टम है, जो पब्लिक से लेना है टैक्सी या कुछ भी व्हाटएवर, वो ले और फैसिलिटी दे। फ्री दे करके वो कहाँ तक देते रहेंगे? और फ्री आफ्टरऑल है तो पैसा, पब्लिक का ही पैसा है, वो फ्री कहाँ से दे रहे हैं? और बिजली भी कहने के मात्र की है। यहाँ झुग्गियों में मैंने देखा है, अभी पिछले दिनों मैं एक सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ था, 70-80 हज़ार 90-90 हज़ार बिल आए हुए हैं झुग्गियों के, फ्री कहाँ से है? और पानी तो लोग खरीद कर पी ही रहे हैं, तो पानी कहाँ से फ्री है? पानी साफ़ नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है। अब पानी की इतनी कटौती होने लगी जो इतनी आज तक कभी पानी की इतनी कटौती नहीं होती थी, तो ये तो फ्री से तो खैर हम लोग सहमत नहीं है इस चीज़। अच्छा, जिस तरीके से जो कनेक्शन देखा जा रहा था, चाहे बात 2020 की दंगों की करे, उसका भी नेता आपसे निकल के आता है, और अभी जो मेन अक्यूज्ड बताया जा रहा है अंसार, वो भी आपसे उसका संबंध आ रहा है, नेता बताया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप केजरीवाल और इन लोगों का संबंध? देखिए जी, दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो टोटल सिर्फ केजरीवाल के नाम से है, इनके सारे MLA जीरो हैं। पब्लिक में, कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा में पब्लिक उनकी शक्ल भी नहीं पहचानती कि हमारे MLA की शक्ल कैसी है। ये लोग कभी कहीं किसी इशू पे निकल के नहीं आते। अभी ये जो इशू हुआ है यहाँ पर भी कोई आम आदमी का कोई बड़ा नहीं आया, केजरीवाल साहब आए ज़रूर, लेकिन आने से होता क्या है, ये लोग इनको ये तो वो आए आप लोगों से मिले? नहीं, किससे मिले, यहाँ तो कोई नहीं आया, यहाँ कोई किसी से नहीं मिला करके। आम आदमी के पास प्रशासन संभालने की पावर ही नहीं है, इनके कार्यकर्ता, इनके MLA, इनके काउंसिलर जीरो हैं, बिल्कुल उनके बस की कुछ नहीं है। मैम आपको कैसा सीएम चाहिए, योगी जी जैसा जो कि दंगाइयों और भूमाफियाओं पे बुलडोजर चलाते हैं, या फिर केजरीवाल जैसा? बिल्कुल योगी जैसा चाहिए, जैसे उन्होंने यूपी में रोकथाम लगाई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसी चाहिए जो ऐसे से ना निपट सके अपने ढंग से। हमें ऐसा ही योगी भी जैसा ही चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली में देखा गया कि 3 सालों में 2 दंगे हो चुके हैं, तो लगता है कि जैसे यूपी में कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे भी बुलडोजर कार्रवाई हो? बिल्कुल होना चाहिए, इनके लिए तो योगी ही सही रहेंगे। अगर वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपने जैसे उन्होंने यूपी में कराया ना, यहाँ पर करे, कम से कम हम सुकून की सांस अपने घर के अंदर तो ले सकते हैं, बाहर की तो छोड़ो, करूँ घर के अंदर ही हम सेफ नहीं है, वो तो अंदर आकर के मारेंगे। लेकिन अगर योगी सरकार यहाँ पर आई, योगी जी अगर यहाँ पर आते हैं, तो कम हमारे दिमाग से ये डर तो निकलेगा कि हम मतलब किसी ऐसे एरिया में तो नहीं रह रहे कि जहाँ पर हमारी जान का खतरा है, हमारे बच्चों को, हमें, हमारे परिवार को। वो डर से तो हम निश्चिंत होकर जी सकते हैं, बेखौफ होकर जी सकते हैं अगर योगी गवर्नमेंट रही तो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो आई तो बेखौफ होकर जाएंगे।
अब देखो हम वहाँ नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि डर है हमें कि हमें मारे, ईंट पत्थर चलाए। आज वो पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ क्राइम ब्रांच वाले कल गए हैं, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। अब हम जाते हैं सब्जी लेने के लिए जाते हैं, सब्जी हमारी ख़त्म है घर के अंदर, लेकिन क्या करें, नहीं जा सकते, डर है वहाँ पर, वहाँ कदम भी नहीं रख सकते हम लोग, क्या करें। कम से कम वो आएंगे, एक्शन लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदू और मुसलमान गुंडे, नहीं, जो भी है उनको, उनके खिलाफ वो सख्त एक्शन लें। बस हमें योगी सरकार ही चाहिए अभी फिलहाल यहाँ के लिए, जो यहाँ का माहौल है।